दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। तमाम क्रिकेट प्रेमी अक्सर एक बात कहते हैं कि इंडिया की बैटिंग और पाकिस्तान की बॉलिंग मिलाकर एक टीम बने तो क्या मजा आए, क्या सही टीम बने और क्या खेले, सारे मैच जीत जाएंगे। शुरुआत से भारतीय बैटिंग और पाकिस्तानी बॉलिंग की तारीख के रसीदे पढ़े जाते रहे। अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इंजमामुल हक ने भी इस मसले पर बात की है। वैसे इंजमाम की राय भारतीय क्रिकेट फैंस को बुरी लग सकती है, पसंद नहीं आएगी। उन्होंने रमीज राजा के साथ यूट्यूब पर बातचीत के दौरान अपने जमाने की इंडियन और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंतर गिनाए। इंजमाम ने कहा कि उनके दौर में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में काफी एकजुटता थी और भारतीय बल्लेबाज अपने पर्सनल रिकॉर्ड के लिए खेलते थे, ऐसा इंजमाम ने आरोप लगाया। इंजमाम ने कहा, जब मैं खेलता था कागजों पर इंडियन टीम का बैटिंग रिकॉर्ड काफी बेहतर था, लेकिन अगर हम 30 या 40 रन ही बनाते थे तो भी ये टीम के काम आता था, जबकि उनमें से कोई सेंचुरी भी मारता था तो ये टीम के लिए नहीं होता था, उनके खुद के लिए होता था, ये हमारे बीच का अंतर था। इंजमाम का मानना है कि प्लेयर्स के फेल होने पर भी उन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए। इंजमाम ने कहा कि अगर प्लेयर्स को लगेगा कि टीम ही उनकी जगह खतरे में है तो वो खुद के लिए खेलने लगेंगे और टीम की ज़रूरतों को अनदेखा कर देंगे। इंजमाम ने अपना उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि उनके खराब प्रदर्शन के बाद भी इमरान खान ने उन्हें सपोर्ट किया। इंजमाम ने यह भी कहा कि 1992 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की सफलता इस बात का सबूत है कि टीम को पहले रखना चाहिए और अपने आप को खुद के खेल को बाद में। पाकिस्तान ने 1992 का वर्ल्ड कप जीता था। इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंजमाम ने कमाल की पारी भी खेली थी। आपका इंजमाम के इस कमेंट पर कि भारत के कुछ खिलाड़ी अपने लिए खेलते थे, इस पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे हमारा एक नया पेज आया है लटक नाम से, अगर आप कहानी और कविताओं के शौकीन हैं तो उस पेज को जरूर फॉलो करें। साथ ही प्ले स्टोर पर हमारी ऐप है, उसको डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड करें। शुक्रिया। दी ललन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौंका हल्का हटने के बाद अब बारी है ऐप की, ललन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर वन। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए ललन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, ललन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए ललन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी ललन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।